अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सीपीयू को पहले ऑन कर लेते हैं, या सीपीयू हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन सेम ही सॉल्यूशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सीपीयू को ऑन कर लिए, एचपी का लोगो आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेम्पिंग बूट फॉर यूएसबी डिवाइस, इस तरीके का एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। और इस ये सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ देर पहले चल रहा था, बट ये रिया स्टार्ट किए उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है और कैसे ठीक करेंगे, बस वीडियो में बने रहें। अभी देखिए, जैसा कि हम सीपीयू का, ये सीपीयू है और सीपीयू में यहाँ पे देख सकते हैं एक यूएसबी पेन ड्राइव लगा हुआ है, यूएसबी पेन ड्राइव लगा हुआ है। अब ये पेन ड्राइव को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, ये पेन ड्राइव लगा हुआ था, 64 GB का एचपी का पेन ड्राइव है और ये लगा हुआ था। तो चलिए अब हम सीपीयू की तरफ चलते हैं, और ये सीपीयू निकालने के बाद डायरेक्ट खुद ही नहीं होगा, इसमें आपको कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल और डिलीट तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा, तभी ये आएगा। तो ये देखिए, अब ये विंडोज़ ऑन हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो चलिए आपको पूरा प्रॉपर विंडोज़ ऑन करके दिखाते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि बीच में फिर से वैसा एरर आता है। तो पूरा प्रॉपर विंडो ऑन करके दिखाते हैं पूरा, जब तक विंडोज़ का लोगो नहीं आ जाए, जब तक आप वीडियो में बने रहें। तो ये अभी प्रोसेसिंग में है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये जो है विंडोज़ का, ये देखिए, ये प्रिपेयरिंग टू कॉन्फ़िगर विंडोज़, ये जल्द ही ऑन हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये अभी, ये देखिए, वेलकम लिखकर आ गया है। अब ये सिस्टम प्रॉपर वर्क करने को तैयार है। ये प्रॉब्लम कब आता है, कभी कभी किसी किसी सिस्टम में होता है, जो पेन ड्राइव लगा के छोड़ दिए, ये पहले इसको रीस्टार्ट में रिमाइंडर करते हैं, पेन ड्राइव लगा के छोड़ दिए, सिस्टम को रीस्टार्ट किए, तो सभी सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, किसी किसी में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जिस सिस्टम में आता है तो उसका पेन ड्राइव को पहले चारों तरफ देख लीजिएगा, यूएसबी बैक साइड, फ्रंट साइड, कोई यूएसबी डिवाइस नहीं लगा हो, जैसे कि कीबोर्ड माउस लगा होना चाहिए, और भी कोई जैसे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कोई पेन ड्राइव नहीं।